subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, पीछे इंडिया में, भारतवर्ष में एक मूवमेंट चली औरतों की प्रोटेक्शन को लेके, औरतों के हकों को लेके, औरतों की मोलेस्टेशन के लेके, एक्सप्लॉयटेशन को लेके मीटू की मूवमेंट चली, जो कि काफी पॉपुलर हुई, जिसके शिकंजे में बहुत सारे लोग आए। कोई भी ऐसी मूवमेंट चलती है, कोई भी ऐसे कानून बनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए बनते हैं, लेकिन उनका नाजायज फायदा भी कुछ लोग उठाते हैं, उनका अनुचित लाभ भी उठाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। तो बिग बॉस 13 के घर में मुझे हैरानी हुई कल के एपिसोड में, जनता ने हमको बताया, क्योंकि मुझे शायद से मैं वो एपिसोड वापस से देखूंगा, देख पूरा ध्यान से, शायद से दो चार मिनट के लिए मुझे इधर उधर जाना पड़ा होगा। तो लेकिन ये बताया कि देवोलीना भट्टाचार्य जी ने बोला कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अगर मुझे हाथ लगाया, टच किया, तो मैं उसको मीटू में फंसा दूंगी, कि मैं उसके खिलाफ मीटू में चली जाऊंगी। तो देवोलीना भट्टाचार्य जी का काफी कंट्रोवर्सी से पहले भी जुड़ चुकी है, काफी बड़े बड़े चीजों में इनके नाम आ चुके हैं, लेकिन ये ऐसे फंसा दूंगी ये बात कहनी, तो ये बिग बॉस के घर की जो बहू है, बहू बन गई, बेब्स बन गई डेविल, तो ये लोग कहते हैं कि, लेकिन ये बड़ी ही शॉकिंग बात है, क्योंकि बिग बॉस के घर में जो है इस तरह की चीजें हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे टास्क होते हैं, यहाँ पे फीमेल्स मेल सब बराबर होते हैं टास्क में, कोई भी ऐसा नहीं होता कि ये फीमेल है तो इसको ये टास्क नहीं खेलना है। अगर आपको कोई भी जैसे टॉर्चर का टास्क होता है तो बोलते हैं कि भैया आपको टॉर्चर नहीं सह पाते तो आप छोड़ दो, लेकिन सामने वाला करता है। देवोलीना ने ऐसे खतरनाक टॉर्चर किए कि भैया नहीं तो आप उठ जाओ। असीम के साथ कितने टॉर्चर किए, अबू मलिक के साथ किए, लेकिन अब जो लड़कियां खेल रही हैं, गेम खेल रही हैं, तो लड़के तो भैया लैडर को तोड़ेंगे, वो चीज करेंगे, अगर आपको नहीं है तो वो छोड़ दो, उठ जाओ, मत बनाओ लैडर, तो गेम क्विट कर दो, हार मान लो। लेकिन यहां पे ये चीज, इतनी बड़ी स्टेटमेंट, एक इतना सेंसिटिव जो मामला है मीटू की जो है, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छाई के लिए बना है, उसके साथ में ऐसी बात करनी कि मीटू वाले ऐसे वेले बैठे हैं उधर घर के, कि आपकी ये बात को, जहां पे बिग बॉस के घर में इतने 200 कैमरा लगे हुए हैं, और आप वहां पे बोलोगे मैं तो मीटू में बात उछालूंगी, मतलब कहते हैं समझ, बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो, बुद्धि से काम लो। नेशनल टेलीविजन पे आप किस तरीके की चीजें कह रहे हो, जनता जो है पागल नहीं है, जनता सब चीजें एक एक चीज नोट करती है, और पब्लिक आपको हीरोइन से कब डेविल का खिताब दे देती है तो ये आपको पता नहीं चलता है। तो ये देवोलीना की इस विचार के बारे में कि किस कंटेस्ट में कहा था, किस कंटेस्ट में कहा था, किस तरह के कहा था, आप एक्सप्लेन करके कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आपको उनकी इस बात से कितने हद तक आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, तो आपका हक है ये कहना, और वीडियो के नीचे कमेंट करके आप ये चीज कहिएगा। धन्यवाद, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.